आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो और मैं आपको वेलकम करता हूं द जान रैम्बो शो में। जी कहते हैं कि मियां बीवी को शादी के बाद जो शुरू के 15-20 दिन एक महीना डेढ़ महीना होता है उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ लें, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आगे चल के ज़िंदगी में बहुत सारे हालात आने हैं, उतार चढ़ाव आने हैं ताकि उनको वो अच्छी तरह डील कर सकें। नई नई शादी हुई है उनसे पूछते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या वो हंसी खुशी ज़िंदगी उनकी शुरू हो चुकी है या कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो मेरा पहला कपल मिस्टर एंड मिसेज अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भी चुक लो। ओ चुक लेने आ और रैम्बो दे सामने कुंड नहीं चुकी दा, तेनू पता नहीं ओदा करैक्टर ठीक नहीं। हां ओ तेनू पता नहीं रियल किवें देखण दे सी आ शो तो पहलो। हां कुंड कट के रख। नहीं नहीं पहाड़िया ही भजन क्या हो गया। बस यार मैं ना तबीयत खराब हुई रैम्बो यार, मैं 40 दिन हो गए ने अल्लाह पाक दी कसम इहदे नाल निकाह होया। हां जी हनीमून नहीं मना सके हुण ते 40 दिन नहीं चेल लगन लग पिया। 40 दिन हो गए आपकी शादी को, आप हनीमून पे नहीं गए अभी तक? नहीं पाएं ताड़ी कसम है सी खुल के गलबात भी नहीं कर सके, कोई प्यार मोहब्बत दी गल नहीं कर सके, खुल के वादे इकरार नहीं कर सके। खुल के बात अभी आपने खुलना है? हां जी। कितने मरले का घर है? 4-5 मरले दा, जे खुली ते पाट जाना यकीन कर, सही खुली नहीं है। अच्छा जी। अब मेरे मतलब है कि कुंड चुकाई भी नहीं हुई कुछ। अच्छा मतलब कहने दा मतलब कुंड चुकाई नहीं हुई, इसकी कोई वजह? वो कौन है? मेरी नंद। आपकी नंद? हाँ। वो कहाँ है, उनसे बात करते हैं। उधर देखो ध्यान ते मारो मेरी भैण वाल की शादी को 40 दिन हो गए हैं और ये इनका मुद्दा ये है कि अभी तक ये हनीमून पे नहीं जा सके और ये बड़े परेशान है। किनकी शहरी दा एक फूल तक नहीं टूटाई। अच्छा जी, और किस वजह से परेशान है उनकी तरफ जाके उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? सलाम जी, बिल्कुल ठीक। की शादी हुई है, वो कहते हैं 40 दिन हो गए। आओ जी 40 दिन हो गए ने, तो 40 दिन बाद इखलाकन बंदे नु निकाह भूल जाना चाहिए। क्या मतलब है 40 दिन तो बाद से मेहमान आने शुरू हो जाते हैं बाजी? हां नहीं नहीं आपका तो क्या खैर वास्ते, आपकी वजह से वो क्यों डिस्टर्ब है? जी मेरा वीर है। के वीर मेरा घोड़ी चढ़े मेरे को कसम चुका लो 40 दिन चेलम लगन लग पिया, कट तो चेलम लगन लग पिया, लिपस्टिक देखो जिवें लगी सी उंजी लगी। पेंटर को पक्की है, जेडे बसा ते न्यू खानी लिखते उन्होंने को लगवाई है। एक मिनट आपकी वजह से वो क्यों डिस्टर्ब है? मैं अपने हथिया अपने प्रादा व्याक आपने शादी करवाई है, अब ये अपने घर में खुश, आप अपने घर में ओके थे, पूरा मुद्दा तो सुन लो। हां जी पता है रंगो साहब है कौन साहब ने ए तानू पता है कौन ने? कौन तानू अगर पता लग जाए ना इथे थरथली पै जाए, पूरा सेट पुठा हो जाए, तानू पता है कौन साहब ने? कौन ने? फिल्मों में काम करते हैं? नहीं फिल्म स्टार की ने देगे, सियासत से लगाओ, सियासतदान की ने ना देगे, तसीना इनू तरसन दे किसी बड़े ओहदे पे। ओ नहीं मैं तुहानू पूरा मुद्दा दसनी जी। मेरा प्यो मेरे नाल बहुत प्यार करदा सी जी जी, ओ चाहंदा सी कि मेरी धी हमेशा मेरी अखां दे सामने रहे। अच्छा ओने मेरा विआह कीता एस भाई साहब नाल, तो ओने कहा तू मेरी धी दे नाल मेरे घर च रहना, ते घर जवाई बन के मेरे घर आ गई। अच्छा ये घर जवाई है? माशाल्लाह आप इकट्ठे रहते हैं? आहो जी। ओहो ये मसला है खवातीनो हजरात, अब समझ आई है। मैं ते अपने घर जा, ए औरत साडे घर आई है ना, ओ तियां पराए घर जांदियां ने, तू ऐसे घर रही जान दे। पराए घर नहीं पाई, लोकां दी मिसाल सुनी ना रैम्बो साहब, तियां अपने घर दी चंगियां लगदी। बिल्कुल ते ओ अपने घर च चंगी लग रही है, तेनू की तकलीफ? किसे दी धी इहनां दे घर च, तू अपने घर रह जा के।
मेरे सामने मैनू पता उन्हें ना तेनू कोई कौली दिती ना कोई गिलास दिता तू कौल दी गल करना ओ कौल वड्डा जिहड़ा लै के ओ मंगदे हुंदे सी महल्ले च ओ कौल उन्हां ने मैनू दिता यार उन्हां ने बाजी बगैर मेरे मुझे पता मैं जिस वेले बरात लैके मैं आया हां जी हां जी हो महल्ले च रश पै गया अच्छा मजा एक दूजे च वजन लग पईआं भला क्यों ए घोड़ी ते पुठा बैठा सी लोक इधर नूं मूंह करके बैंदे इधर नूं मूंह करके चुक लेने तेरा कुंड कुंड वढ देना तेरा कुंड ना वड्डे सूए ना चुकना पैना आपके चाचा है वो मेरे ताया उन्होंने कहा तू मेरे छोटे भरा का पुत्र है पुत्र तेरे चो मेनू मेरा भरा नजर आंदा मैं क्या वेखो चाचा जी मैं नहीं बोलती मेरे चो मेरा यार बोलता मैं क्या जे तुसी अगर क्या उम्मीद ना रखी क्यों मोटा देके मुड़के अपना मोटा टकाउंदा फिर करे नहीं नहीं शादी हुई है आप मरने की बातें सर मेरी सुन लो गल मर जाने चंगा अबू को बुलाए अबू को बुलाए चले गए जिथो कोई नहीं मुड़दा चले गए जिथे दीवा ना बत्ती कोई जवाब नहीं आया जेड़ा बंदा चुप हो गया मतलब किस तरह ने कहा ना घर जवाई जेड़ा हम मतलब गलत गल हमने भी बुजुर्गों से सुना है भैन दे घर भरा वो हाँ जी और सोहरे दे घर जवाई शेर शेर एक बार मैं सारा समान बन लिया मैं के जानू असि इथो चले जाने नहीं इस घर च मेरा रहना ठीक ने तेरी औलाद मेरे को तंग मरण वाले अखा जे एडे एडे गल रैम्बो साहब इंसाफ की करनी है आ वेखो इन्हां दी खाब च मेरा प्यो आउंदा रहा जी मैनू 40 दिन हो गया निकाह मेरा होया मैं कुंड नहीं चुकिया मैनू दसो केड़े केड़े खाब आउंदे जेड़ी कंडीशन जी तुसी जा रहे हो इस खाब च प्यो नहीं आ सकदा
अच्छा आ सकता जी? नहीं आ सकता, मैं तो पता नहीं आ सकता, नहीं हलाकर नहीं आ सकता। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखें वालद साहब आपसे प्यार करते थे, वो नहीं चाहते थे कि आपको घर से रुखसत करें, आपको अपने सामने देखने नहीं चाहते थे। अब वो दुनिया से रुखसत हो गए, ये भी रुखसत हो, आप भी रुखसत हो इस घर से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने हथी तेरा ब्याह कराया है, ऐ मेरे बंदे ने तंबूक नाता तेरे ब्याह दिया लाया, अपने मुंह वर्गियां किलियां भी ठोकियां, मैनूं पता है की नहीं कीता, नौकरां दी तरह मेरे बंदे ने काम करके इन्हां नूं ब्याह के लै ता, जो दे खिलाफ हो गए। मेरी गल सुनो रैंबो भाजी, मेरी गल सुनो, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਜ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਸੇਜ ਸਜਾਈ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਸਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀ ਸੇਜ ਸਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੂੰ ਮੱਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਦੂਲਾ ਕੇ ਧੋਵੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਿੱਡੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਐਡੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਤੰਬੂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪਣਾ? ਆਪਕੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਥੀ ਕਿ ਆਪ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਰਹਤੀ, ਅਬ ਆਪਕੇ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਉਨਕੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ, ਆਪ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਇਨਕੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਏ, ਇਨਕੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਬਰ ਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਬਰ ਚ ਬਣੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਥੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਏ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਪਾੜਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਡ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ, ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੰਦਲ ਖੋਲ, ਚਮਚ 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 ਲਿਆ, ਚਮਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲ, ਖੋਲ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕੋਂਡ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਦੌਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਜਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਵਾਈ ਆਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੁਮਾ ਜੁਮਾ 40 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਜੁਮਾ ਜੁਮਾ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ,
देखिए अब आपको अपना घर अलग से बसा लेना चाहिए। अब वो आपके ताया अबू तो रहे नहीं जी जी, तो आपको चले जाना चाहिए। मेरा ताया आके मेनू मरन वाला कह दे तो मैं एक मिनट भी इतने खलो जा तो मेनू फड़ ले। ओ ताया केड़ा तेनू सी पैक दे बारे कुछ कह गया ओ जा इथों मगरों लै साडे करो। अच्छा भाई आप ऐसा करें, आप ऐसा करें कि अगर ये ताया अबू की बात को लेके बैठ ही गया है, अच्छा उनकी वसीयत मान ही रहा है, अच्छा तो आप ही कोई मैनेज करें, अगर ये यहाँ रहेगा ये तो आपके अबू की आपकी अबू की रूह खुश रहेगी। रैम्बो साहब सदके जावा मैं तुहाडी काबिलियत अब शुक्रिया है, अबे दी रूह असी खुश कर लीए अपनी रूह राजी ना करिए। झगड़ा खत्म हो जाएगा, तुम इंज करो इतने नेड़े किराए का घर लैके शिफ्ट हो जाओ। जिंदगी देखो किए सू किराए का कुंड नहीं चुकया गया 40 दिन 40 बारी मेरे बच्चे चपेड़ मार आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।